अभी कुछ बहुत अच्छी चीज बोली थी, ब्लॉग शूट करो या फिर छोड़ो जाने दो, बच्चे समझदार हो। हाँ नहीं तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एश किंग द एक्सप्लोरर में। टाइम से मैंने एक फिटनेस ब्लॉग नहीं बनाया है, तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं फिटनेस ब्लॉग। क्योंकि इस ब्लॉग का मैं इंट्रो नाइट में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जिम जाना स्टार्ट कर दिया, तो इस वजह से मॉर्निंग में इंट्रो शूट करना में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए नाइट में इंट्रो शूट कर रहे हैं। और कल की डेट में मैं इस ब्लॉग को पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। ये ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ फिटनेस ब्लॉग, तो इंजॉय करिएगा। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस ब्लॉग के अंदर में, तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आज अपने इस ब्लॉग को। The next day. देख सकते हैं कल जो हमारे रील के मॉडल थे वो हमारे साथ में आ चुके हैं, सचिन भैया जो कि वॉर्म कर रहे हैं, और आज के ब्लॉग में ये आ रहे हैं हमारे साथ में। तो एक बार हमारी ऑडियंस को हेलो कर दीजिए। और आज आपका कौन सा वर्कआउट है? शोल्डर है, तो चलिए इनको परेशान नहीं करेंगे, इनको शोल्डर करने देंगे। और अभी हम लोग बाइसेप्स कर रहे हैं, ये मशीनरी पे हमने लगा रखा है, ठीक है चलिए स्टार्ट कर। देख सकते हैं ये हमारे कल के वीडियो के नए मॉडल और हैं, और ये हमारे अंजू भाई आ चुके हैं। कल आपको वर्कआउट करके कैसा लगा था? वर्कआउट करके अच्छा लगा, लेकिन क्यों? अच्छा अभी थोड़ी देर में हम लोग चार्ज हो जाएंगे, अभी डिस्चार्ज। और भैया ने कुछ टिप्स दी थी अभी बाइसेप्स के लिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, फील काफ़ी अच्छा हुआ है। अभी डेडलिफ्ट मारी पर यार है वाल देव ऐसे ही कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरी है बाइसेप्स पर, और ये देखिए मेरे डंबल्स आ गए, ये भैया उठा ले गए। करना क्या भाई? हाँ करने जा रहा था। अरे मैं चेहरा नहीं की तरफ, जो कि हैमर कर। और अंजू ये अभी रेडी हो रहे हैं वार्म अप करके। बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, ब्लॉग शूट करो या फिर छोड़ो जाने दो, बच्चे समझदार हो। हाँ नहीं तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। और ये 100 kg ना, अभी 100 kg तो डेडलिफ्ट दिखाता हूँ आपको। लास्ट एक्सरसाइज है रिवर्स बारबेल कर्ल, जो कि मशीन भी में करेंगे, और भाई इसको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। चलो हाँ तो भाई नॉर्मल कर्ल कर रहे हैं, मैं रिवर्स वर्क कर्ल करूँगा। One hour later. दोस्तों मॉर्निंग का टाइट शेड्यूल बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, व्लॉग भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, और जिम का पूरा प्रॉपर सारी चीज़ें हम लोग करके आ चुके हैं। वर्कआउट वीडियो सारी नहीं बना पाए हैं, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी फनी चीज़ें हमने इस ब्लॉग के अंदर में ऐड करी है। तो अभी देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को और आज के दिन को कम्प्लीट करते हैं, और देखते हैं कैसा रहता है। सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ मुंडेरा के मार्केट में, और ये देखा आपको मार्केट का सीन। फिलहाल धूप हो चुकी है, हमारी मिठाई पैक हो रही है, ये कुछ तो आहा। दोस्तों एक चीज़ आपको बताता हूँ, सुबह सुबह उठने के फायदे और साइड इफेक्ट बताता हूँ। सुबह सुबह जब आप उठोगे तो आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा,
सारी चीज़ें आप एनर्जी के साथ में करोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब थोड़ा सा टाइम डिले होगा और आपके आदत में नहीं होगा सुबह जल्दी उठना, तो आपको नींद भी बहुत आएगी, मुझे नींद आती है, तो थोड़ा सा रेस्ट मारते हैं, फिर उसके बाद में अपना ब्लॉग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अभी दोस्तों हाल कुछ ऐसा था कि लाइट काफ़ी देर से कटा हुआ था, तो हम लोग एकदम मतलब सो चुके थे और अभी अभी उठे और ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एक साइड जा रहा था, मतलब गंगा जी की तरफ जा रहा था, तो चलते हैं उस साइड में और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक करी, तो अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, और अभी सनसेट हो रहा है तो उसकी भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह कुछ रील्स वगैरह क्लिक करते हैं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे और यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे, तो जा कर के अपना प्यार दिखाइएगा। तो फिलहाल चलते हैं इसी के साथ में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं कछार की तरफ। अबे क्या स्टेबल वीडियो थी मेरे भाई, आईफोन्स होते हैं। सही है भाई, बहुत प्यारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोस्तों देखो खड़खड़ खड़खड़ रास्ते से आ रहे हैं हम लोग, बहुत तगड़ा लग रहा है। चल स्टेबिलिटी भाई क्या बताऊं यार, फाइनली दोस्तों देख सकते हो ये हम लोग आ चुके हैं अपना कछार साइड, और ये गंगा जी का कुछ सीन है, ये थोड़ा सा कम हो गई है अभी, और जैसे बरसात वगैरह फिर से शुरू हो जाएगी तो ये बढ़ जाएंगी। और वो देखो प्यारा सा सनसेट, गंगा जी विलुप्त हो जाएंगी, हाँ जो कि सनसेट अभी हो ही रहा है। और फिलहाल बस यही था आज के ब्लॉग में, काफ़ी चीज़ें दिखाई आपकी आज के इस ब्लॉग में, तो आई होप आपको ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगेगा। फिलहाल इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट छोड़िएगा कि कैसा लगा ब्लॉग। और इसी सनसेट के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, तो फिलहाल चलते हैं घर।